नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार फेस टू फेस के अंक में कोई ना कोई नई शख्सियत होती है। आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मिनिस्टर जो कि ट्रांसपोर्ट की कमान को संभाले हुए हैं, अब्दुल गनी कोहली साहब, जो कि कालाकोट से जीत के एमएलए बने और फिर मिनिस्टर बने। हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में सुधार लाया है और क्या क्या नई पॉलिसीज हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं या किया है, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो पिछले टाइम में डिफंक्ट थी और इन्होंने ठीक की हैं। आइए अब इनसे जानते हैं। जी कोहली साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले मैं कोहली साहब ये जानना चाहूंगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक बड़ा अहम डिपार्टमेंट है, चाहे छोटा डिपार्टमेंट लेकिन बड़ा अहम डिपार्टमेंट है कनेक्टिविटी के लिए, और गवर्नमेंट का एक अहम रोल रहता है क्योंकि किसी भी एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो क्या लगा कि आज तक आपको इसमें क्या कमी थी, क्योंकि आप एक विजनरी आदमी हैं, आपका एक अपना विजन है, क्योंकि आप एक्सीडेंट रिटायर हुए हैं, तो क्या आपका विजन है कि क्या कमियां थी और क्या क्या होना चाहिए? मैं एक बात जरूर कहूँगा कि हमें इस हर मजबूरी तौर पर स्टेट को और खसूसी तौर पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बदकिस्मती है कि हमें विरासत में बड़ा कुछ मिला है। जी मैं आप नेगेटिव में समझें, पॉजिटिव में नहीं समझें। बदकिस्मती है कि 1960-70 की बात है, मैं पुंछ से जम्मू आया करता था अपने घर से, तो हमारे वहाँ SRTC की बसें होती थी। जी अब एक भी नहीं। मैं कश्मीर में था, मुख्तलिफ मिनिस्टर साहिबान, MLA साहिबान, बाकी जो पब्लिक के नुमाइंदे थे वो आते थे, साहब पहले बसें चलती थी, अब एक बस भी नहीं। दुख की बात है, जब मैंने थोड़ा उस पर देखा, गौर किया, तकरीबन 89-90 में हमारे पास कोई 900 तकरीबन बसेस थी, और इस वक्त 200-250 बसेस पे हम पहुँच गए। यही हाल SRTC जो ट्रक्स हैं वो 600-700 थे, अब 300 तक हम पहुँच गए। कारण कोहली साहब, क्या कारण है? देखिए, अगर हमारी इच्छा हो, हमारी मॉनिटरिंग हो, हमारा मिशन हो कि हमने इस कॉरपोरेशन को आगे ले जाना है, तो बात आगे चलती है। और अगर वो लोग जो सिर्फ सेवा दल के लोग बन जाएं काम करने वाले, तो बताइए वो सेवा होगी कि काम होगा? जी बिल्कुल। मैं सच कहता हूँ, जब पिछले दिनों मैं पामपुर में गया, जहाँ हमारी बहुत बड़ी वर्कशॉप है, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी वर्कशॉप नहीं होगी, लेकिन जब गया, एक सिरे से दूसरे सिरे जाने में बड़ा टाइम लगा, और डिफंक्ट थी वो पूरी, और मैं क्या बताऊँ, दुख हुआ और बल्कि रोना भी आया। उसके साथ मैंने वहाँ फ्लीट देखे बसेस के खड़े हुए, ट्रक्स के, उसके अलावा दूसरा हमारा यार्ड है परमपुरा में भी। मैं सच कहता हूँ, मैं ऐसे देख के सोच रहा था कि जैसे कि जितने फ्लीट हमने स्पेशल बनाए, हमने पाकिस्तान का हमला करना, ये हालत है हमारी। हेयर वी स्टैंड। खैर, ये कमियाँ होती हैं, हमने हिम्मत नहीं हारनी है, हमें ये चीज़ साल इनको ठीक करना है। बिल्कुल सही है, ये सोच बड़े कम लोगों में होती है। तो मैंने ये सलाह से बताया कि एक आम आदमी बस लेता है, वो एक से दो बनाता है, तीन बनाता है, यहाँ तो एक भी ख़त्म है। तो अब मैं इसमें ज़्यादा क्या बताऊँ, आप भी समझ गए हैं, हर एक समझता है। मैंने आते ही एक बात की, इसका मतलब है 900 बसेस थी, आप 200-300 हैं, तो 600 ड्राइवर कहाँ हैं? जी वो लोड है, 30-35 हज़ार रुपये तोहफा भी लेते हैं। किसी ने नहीं सोचा कि हम ट्रांसपोर्ट जो है, ये हमारा कॉरपोरेशन जो है, इस पर हम लोड क्यों, अननेसेसरी क्यों, इसको कैसे ठीक किया जाए। बिल्कुल सही है। दो तरीके थे ठीक करने के, या तो हमें नया फ्लीट आना चाहिए था बसेस का। हालांकि एक साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 350 बसेस का एक फ्लीट दिया था। जी JN नोरम है, जवाहरलाल नेहरू योजना है, इन लोगों ने यूटिलाइजेशन सब ठीक नहीं भेजी थी, विद द रिजल्ट
इनको पूरे का पूरा फ्लेट जो है वो नहीं मिल पाया। इसी तरह के जो उससे पहले हालात ऐसे ही बनते रहे तो कहाँ तरक्की होगी, कहाँ ये फ्लेट पड़ेगा। लेकिन मैंने फिर भी एक बात की, मैंने मुलाजमों को बुलाया, समझाया, मैं कहा देखिए भैया मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन हमें काम डट के करना है। और उनको हौसला अफजाई के लिए मैंने 10% दिए दिया, जो पॉसिबल हरगिज हरगिज नहीं था। इस लिहाज से मतलब पहले आपने उनके मोराल को बूस्ट किया कि भाई अच्छे से काम करें करें, और ये भी उनको बताने के लिए कि हम आपके वेलविशर हैं, हम चाहते हैं कि आप अच्छे ढंग से रहें, लेकिन आपको उसी मुताबिक काम करना है। जी कोहली साहब, एक और अहम चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा इसी से जुड़ी हुई कि अब उस चीज़ को सुधार के लिए क्या किया जा रहा है। देखिए सबसे पहले मैंने जो प्रपोजल बनाए, मैं तो एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाने जा रहा हूँ जी, नंबर एक। नंबर दो, मैं आपको मुख्तसर से ये बात बता दूँ कि मैं चाहूँगा कि बसेस का एक नया फ्लीट खरीदूँ जी, उनका एक सेपरेट अकाउंट हो, उनके एक ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल अलग हों, इसी तरह टैक्स भी और बसेस भी, ताकि वो लोग जो बेकार बैठे हुए हैं तनख्वाह ले रहे हैं उनको भी अकोमोडेट किया जाए, और हमारी जो कॉर्पोरेशन है किसी ट्रैक पे आ जाए। बिल्कुल सही सोच है आपकी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। एक चीज और, ये तो चलो अब आ गई SRTC की बसेस की और ट्रक्स की बात, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी शाना बिशाना कहीं ना कहीं ट्रैफिक से जुड़ा ही रहता है जी। एक अहम चीज आपसे ये पूछना चाहूंगा क्योंकि जो ट्रैफिक के आला अधिकारी भी आए थे तो मैंने उनसे ये पूछा था, और आप तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। आज की डेट में देखा गया है कि जिस तरीके से पुलिस, ट्रैफिक पुलिस चलानिंग करती है और जो वायलेटर है वो उसको वायलेट करके, लॉ को वायलेट, कानून को तोड़ के वो निकल जाते हैं, तो उन पे नकेल कसने के लिए जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ये लाइट मोटर व्हीकल एक्ट जो है, उसमें क्या ऐसे कोई प्रावधान किए जा रहे हैं जिससे उन पे नकेल लगाई जा सके? इससे पहले कि मैं सवाल का जवाब दूं, एक मुख्तसर आपकी नाज़रीन की इतला के लिए जी, कि जब लास्ट टाइम फ्लड आया वहाँ 150-200 गाड़ियाँ हमारी जो स्टेट मोटर गैरेजेस की थी वो तबाह हो गई जी, इतने ही ट्रक भी और बसेस का भी बुरा हाल हो गया था। बदकिस्मती ये है कि हमने वो रिफ्लेक्ट उस ढंग से नहीं किया जो मुझसे पहले थे, कुछ ना कुछ पैकेज में जो है उनका हिस्सा था वो नहीं आया, जिसका मुझे दुख है। आपने जो ये बात पूछी जो वायलेटर्स हैं, कि जो वायलेटर्स हैं, मैं बताऊँ, मैंने इस बारे में श्रीनगर जाके 8-9 मीटिंग्स की जी, उसमें IGP ट्रैफिक को बुलाया, IGP जो पुलिस के हैं रेंज के उनको बुलाया, SDA डेवलपमेंट अथॉरिटी श्रीनगर वालों को बुलाया, म्यूनसिपलिटी वालों को बुलाया, और ये और यहाँ तक कि हमारे RMB के जो चीफ इंजीनियर थे उनको भी बुलाया कि हम जो सिस्टम इस वक्त है जी, कंजेशंस का हो, वायलेशंस का हो, ओवरलोडिंग का हो कैसे दूर करें जी। मुझे लगता है श्रीनगर में हमने छोटे मोटे काम किए, अब वो नज़र क्यों नहीं आते हैं? ये सड़क जो है ना, इसमें खड्डे इतने भरे हुए हैं कि जब खड्डे भरते हैं वो किसी को नज़र नहीं आते जी बिल्कुल। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, जिस तरीके से बाहर स्टेट्स में है, जैसे लाइसेंस पे 5 मार्क्स दिए जाते हैं, जब वो वायलेटर एक बार वायलेट करता है, दूसरी बार वायलेट करता है, और जब आखिरी बार 5वीं बार वायलेट करता है तो उसका जो लाइसेंस है वो रद्द किया जाता है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं ऐसे कानून बनाए जा रहे? देखिए इसमें दो बातें हैं, बात तो ये है कि एक तो हमारा जो सिस्टम है लाइसेंस का देने का, मैं तो अब ये भी करने जा रहा हूँ कि अगर हम किसी को लाइसेंस देंगे पहले देखेंगे पार्किंग की जगह उसके घर, बिल्कुल सही, अगर किसी घर में 2 या 3 गाड़ियाँ हैं, अब लोगों ने कहा ये मेरी बेटी का, ये बड़े बेटे का, ये छोटे बेटे का, अब गली में भी गाड़ियाँ आ गई। वो कोहली साहब, वो मैं अगले पॉइंट पे आ रहा हूँ, लेकिन मेरा मुद्दा ये है वायलेटर्स का अहम, इनके लिए क्या किया जाए? जिस तरीके से अब आपकी वायलेटर, यही वायलेट नहीं कि भाई वो स्कूटर वाला ही, एक ट्रक वाला भी जो ओवरलोडिंग करके जा रहा है उसके लिए भी वायलेशन है, उसको भी कैसे एहसास दिलाया जाए? एक एक
407 गाड़ी वाला भी जो वायलेट करके जा रहा है, उसने अंदर तो जो पैसेंजर बिठाए हैं वो बाहर भी, और फिर जब एक्सीडेंट होता है तो वो गवर्नमेंट को कोसते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने ये किया, लेकिन उन लोगों पे नकेल कसने के लिए कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी जनता ने ये सवाल उठाया था कि जब आपके पास ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए तो उनके जहन में ये जरूर डालिएगा। देखिए, उस बात को बुनियादी तौर पर ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूशंस है ना वो हम कायम करने जा रहे हैं जी। एक जम्मू में कैंक में जगह हमें मिल गई है, एक श्रीनगर में हम कायम करने जा रहे हैं, और हम उसमें जो ट्रेनिंग होगी जिस ढंग से होगी वो इस ढंग से जो ये आपने फैक्टर बता रहे हैं ये या इससे मिलते जुलते जो भी आजकल हादसा में शामिल हो जाते हैं आप उनको ट्रेनिंग देंगे बाबा, और जो लाइसेंस उनको मिलेगा वो आफ्टर ड्यू थारो जो उनकी स्टडी होगी जो ट्रेनिंग होगी, और अगर फिर भी वो वायलेट करेंगे तो क्या होगा? देखिए, उसमें ये है कि जब इंसान को इस हद तक ट्रेन किया जाए तो डिग्री जो है वो काफी कम हो जाती है। बिल्कुल सही होगी, वो बहुत कम। बिल्कुल सही है, ये हमारी दर्शक सुन रहे हैं आपकी बात को कि जब उनको फुल इक्विप्ड ट्रेन किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो ग्राफ है वायलेशन का वो नीचे आ जाएगा। जी जी कोहली साहब, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा जो अहम जनता का सवाल है कि जिस तरीके से आज की डेट में गाड़ियों की खरीदारी जो है वो दिन दिन बढ़ती जा रही है और हमारे पास जगह वही है जिसके पार्किंग की, अब आ जाके वो क्या होता है कि रोड जैमिंग रहती है, रोड्स पे पार्किंग हो जाती है, नो पार्किंग वाली जगह पार्किंग हो जाती है, लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस चीज़ पे भी नकेल लगा रहा है? देखिए, मैं बताऊँ, एक तो आजकल लोगों की वेल बींग हो रही है जी, हालात अच्छे हो गए हैं, और बैंक ने जिस ढंग से लोन देना शुरू किया है ये बड़ी बदकिस्मत की बात है। देखिए, मैंने पूरा यूरोप देखा है, मैंने चाइना का हर शहर में गया, और मैं जब चाइना मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ देखा गाड़ियाँ नदारद, बहुत कम। तो मैंने पूछा ये क्या बात है इतनी गाड़ियाँ क्यों, बल्कि मजमूई तौर पे चाइना में भी मैंने देखा गाड़ियाँ कम है। तो वहाँ ये बताया गया, पता नहीं 50,000 कहा या 60,000 कहा पाउंड, जब तक आप डिपॉजिट एडवांस में नहीं करेंगे यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू गो फॉर ए व्हीकल, अंदाजा लगाइए। बिल्कुल सही, इसका मतलब है इतना पैसा अमूमन आम लोगों के पास होता है नहीं होता है। नहीं होता, ऑटोमेटिकली जो है परचेजर जो लोग हैं खरीदने वाले उनकी उनकी वो कम संख्या कम हो जाती है, बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। बिल्कुल सही, नंबर एक। नंबर दो, मैं हमारा पिछले दिनों में एक सेमिनार हुआ था SKICC में, उसमें नेशनल लेवल पर, उस पर भी ये बात हुई थी। तो मैंने कहा जी, जब तक हम एक पॉलिसी ये बिल्कुल ना बनाए, देखिए पॉलिसी में क्या है, गाड़ी तो लोगों ने लेनी है, ज़रूरत भी है और हमारी रिक्वायरमेंट भी है एज ऑन टुडे हमारी जो है। तो अगर गाड़ी लेनी है तो उसके लिए एक तो बाई लॉज नॉर्म्स या रूल्स ऐसे रखें ताकि हम हद से ज़्यादा ना करें, और एक कंडीशन रखें कि जब तक पार्किंग की जगह होगी, हम पार्किंग स्पेस होगी आपके पास तो हम आपको क्लियरेंस देंगे। क्लियरेंस देंगे जी, बिल्कुल सही। कोहली साहब, ये बातें तो सब थी किस तरीके से सिस्टम को सुचारू रूप से चलाया जाए उन पे। अब एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों हमने ये सुना था कि आपका जो कॉलेज है और आपका कुछ और भी कुछ कंट्रोवर्सी फॉरेस्ट लैंड पे हुई थी, तो क्या इस पे आपका क्या कहना है कि किस तरीके से ये है? देखिए, ये मामला जो है ये कोर्ट में है जी, जुडिशरी में है, जुडिशरी में है। मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा, अलबत्त एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा, जो मेरा कॉलेज है ये मिनिस्ट्री बनने से बहुत पहले का बना है जी। बिल्कुल, और जो वो एरिया है, चाहे वो कॉलेज का एरिया है चाहे उसके दाएं बाएं का एरिया है, वो जंगल नहीं बल्कि वो कंक्रीट जंगल है जी। आप कंक्रीट जंगल कह सकते हैं, जंगल उसको नहीं कह सकते हैं। अब रिपोर्ट आएगी पता लग जाएगा, कोई तबसरा नहीं करना जी। बिल्कुल, क्या हमने ये सुना था कि उस जगह पे और भी कई मिनिस्टर्स या एक्स चीफ मिनिस्टर्स के घर भी हैं? देखिए साहब, वहाँ पे हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन हैं जी, और हमारे काफ़ी IAS ऑफिसर्स हैं, काफ़ी बिजनेस टाइकून्स हैं, लोग हैं, MLAs हैं, MLCs हैं, वो एरिया भरा हुआ है। उस लिहाज से मैं बड़ा अमीर हूँ कि मैं मिनिस्टर हूँ, मेरे हमसाय में बड़े मिनिस्टर्स, एक्स मिनिस्टर्स,
MLAs, XMLAs, XMLC, चीफ मिनिस्टर्स, एक्स चीफ मिनिस्टर। चले कोहली साहब, इस पे कोहली साहब इस पे हम ज्यादा तबसरा नहीं करते क्योंकि ये मैटर जुडिशरी में है, तो वो खुद ही जो जुडिशरी फैसला देगी वो सबसे बढ़िया होगा। जी कोहली साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी दर्शकों, इसी के साथ आपसे विदाई लेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।